रुपए की टिकट मिलती है, टिकट आपको दिखाते हैं। पहुंच गए हैं जिस स्थान पे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अंतिम लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, बिल्कुल नजदीक से दिखाते हैं। देखिए कृपया शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा स्थल के सौंदर्य शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में पहुंचे हैं। यहाँ पे 5 रुपए की टिकट मिलती है, टिकट आपको दिखाते हैं। ये एंट्री पॉइंट है भाई, जैसे गेट से अंदर आते हैं तो देखिए पहले हर गेट पे मतलब अलग अलग नक्शा भी बना होगा और अलग अलग जैसे हर गेट पे इतना ज़बरदस्त। ये एक दिन में तो पूरा पार्क नहीं घूमा जा सकता भाई, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है। मैं पहले भी घूम चुका हूँ इसमें, तो मैं आज आपको इस पार्क के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ये पार्क क्यों, किसने बनवाया, और यही जो पार्क था पहले यहाँ पे बहुत मतलब अब तो अच्छा कर दिया, लेकिन पहले यहाँ पे पूरा जंगल होता था। देखिए अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के कुछ दिखाता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति स्थल है, राजकीय संग्रहालय है, युद्धक विमान VIC-21 और विश्व स्तरीय जानिंग ट्रैंक और झील, फवारा, झूला, प्रणांगण और पुष्प वाटिका, ये जो इतनी चीज़ें हैं ये इस पार्क में हैं। क्या आप एक दिन में घूम सकते हैं यहाँ? नहीं घूम सकते। तो मैं आपको सारा पूरा फोकस डालूँगा उस पर, केवल चंद्रशेखर आज़ाद के उस स्थान पे जहाँ पे उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। ये देखिए ये विमान जो 21 मिग विमान बताया था आपको, भाई देख मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, ना नाम नुम आता है ना और कुछ आता है, बाकी तस्वीरें वीडियो बोलती हैं। और ये नक्शा है, देखिए मैं यहाँ पे हूँ, और भाई विक्टोरिया संग्रहालय, ये देखिए पूरा नक्शा, हर गेट के ऊपर ये नक्शा दिया जाता है ताकि कोई भटक ना सके, साथ में आए हों तो इधर उधर ना जा सके, या फिर फ़ोन करें तो बता दें मैं नक्शे पे यहाँ खड़ा हूँ, तो नक्शे के अनुसार आप पूरे स्थल में जा सकते हैं। मुझे भी काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन देखिए मैं घूम रहा हूँ, ये देखिए पूरा पार्क मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अब चलते हैं उस स्थान पे जहाँ पे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी थी, उसी की वजह से आज हम अपनी आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी, देशभक्त और शहीद को हम बार बार नमन करते हैं। या जितना भी इस पार्क में आऊं, जितनी बार भी आऊं, उतनी बार मुझे श्री चंद्रशेखर आज़ाद की यादें दिलाती हैं, कितने महान इंसान थे और किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अंतिम लड़ाई लड़ी, उनके ये प्रश्न नहीं है भाई। जो भी, मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा विदेशों में घूमने की बजाय एक बार इस पार्क में ज़रूर आएं और इस पार्क के ज़रूर दर्शन करें। अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे, मतलब इतने महान इंसान थे वो, उसकी वजह से पूरी अंग्रेज़ सरकार डरती थी। और भाई क्या बताऊँ मैं आपको, ये भूमि ऐसी है, आज ये प्रयागराज है, प्रयागराज के अंदर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का एड्रेस पूछें, वहाँ पे आएं और उनके दर्शन करें, तो देखिए कितना सुंदर और मनोहर दृश्य है। भाई मैं तो गदगद हो गया यहाँ आने के बाद। अब मैं आपको, देखिए मैं वहीं उसी तरफ जा रहा हूँ, ये रास्ता उसी तरफ जाता है जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। तो भाई मैं तो उनका इतना भगत हूँ, समझो मेरे भोले बाबा हैं, और उसके बाद यही आते हैं। राजकीय उद्यान चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज, तो ये उद्यान भी है, मतलब यार तुम लोग समझ गए ना, अब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बस चलो ठीक है। अब चलते हैं सीधा उसी जगह पे जहाँ पे अंतिम लड़ाई लड़ी थी, और आज वो जगह कैसी दिखती है और कैसा होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो में आपको देश की कई ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ पे अपने इतिहास छुपे हैं, अपना इतिहास छुपाया गया है। तो भाई ये देखिए वही जगह आ गई है, दूर से देखिए कैसे दिखते हैं, आज भी वही चमक लगता है साक्षात। देखिए वो मूर्ति जो दिख रही है वही स्थल है, ये वही स्थल है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी। और देखिए अभी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं जिस स्थान पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी अंतिम लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी। आज़ादी का ये सफ़र जब उनका पूरा हुआ, वो 24 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे। उनकी इस वीरता को हम आज भी प्रणाम करते हैं, सब लोग याद करते हैं, अभी उनको फूल माला पहनाई जा रही है, और उनके सम्मान के लिए देखें जूते चप्पल उतार कर उसके दर्शन के लिए उसके मूर्ति के पास जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ होता था बरगदा, जो अंग्रेज़ों ने घबराकर काट दिया था,
और उसकी वजह से आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। इस पार्क का निर्माण तो पहले हो गया था लेकिन कोई खास नहीं थी। उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के बाद इसका नाम अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया। इस पार्क के दर्शन करने से वीरता की एक जुनून पैदा होता है। जिन्होंने अपनी 24 साल की उम्र में अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, ऐसे वीर और ऐसे आज़ादी के दीवाने और ऐसे देशभक्त को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज आपको उस स्थान को भी दिखाते हैं जिस पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। हमारे वीडियो में कोई गलती हो तो क्षमा करना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। चलो बिल्कुल नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए कृपा जूते चप्पल उतार के आगे चढ़े, इतना सम्मान दिया जाता है, जूते चप्पल उतार के ही इनके पास जाना चाहिए। हमारा तो दूसरा भगवान ही मानो यार, हम तो मंदिर ही मानते हैं इसको, आप लोग क्या समझते हैं हमें नहीं पता। तो देखिए आज यहाँ पे एक चबूतरा बना दिया गया है, जिस जगह पे ये मूर्ति लगाई गई है उस जगह पे यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ होता था। आपने वीडियो में देखा होगा पेड़ के पीछे लड़े थे अंग्रेजों की सेना से, एक बंदूक से लड़ रहे थे। बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ, उस पेड़ के पीछे थे। लेकिन उस पेड़ को कटवाने का कारण क्या था आज हम आपको बताते हैं। जैसे पूरी अंग्रेजी सेना को पीछे धकेल दिया था, फिर एक गोली अपने खुद को मारी, कहा कि मैं उनकी गोली से नहीं मरना चाहता। अपनी मिट्टी खुद को क्यों मारी, क्योंकि इसको पता था मेरे बलिदान से सैकड़ों युवाओं में क्रांतिकारी का जोश पैदा होगा, आजादी के लिए सैकड़ों युवा आजादी की लड़ाई में कूद पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अपने आप को ही बलिदान कर दिया। तो ऐसे वीर पुरुष को नमन करते हैं। तो क्या हुआ आगे हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ये देखिए जो पार्क है किसने बनवाया था, अब क्यों कब बनवाया था, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। ये देखिए पूरा पट लगा है, भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा स्थल के सौंदर्यकरण का शुभारंभ माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मानव संस्थान विकास मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा माननीय श्री लालजी टंडन मंत्री आवास एवं नगर विकास उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 24/5/68 तदानुसार सम्मत 2020 के ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि को संपन्न किया गया आलोक टंडन। तो देखिए ये था किसने बनवाया था, और अब हम आपको बता दें वो पेड़ अंग्रेजों ने क्यों कटवा दिया था। क्योंकि कटवाने का कारण यही था कि उस पेड़ को भगवान मान के सभी देशवासी पूजने लग गए थे। अंग्रेज सरकार डर गई थी कि अगर ऐसे ही पूजने लगे तो हमारी सरकार तुरंत गिर जाएगी, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए रातों रात अंग्रेजों ने उस पेड़ को कटवा दिया था। लेकिन आज उस पेड़ के जगह पे यहाँ पे जिसने भी ये मूर्ति लगवाई उसको हम बार बार धन्यवाद करते हैं, ऐसे वीर पुरुष को नमन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक करें। जय श्री राम, हर हर महाराज।